ऑस्ट्रेलिया में आपको ये भी काम करना पड़ेगा अगर आप वॉशिंग मशीन नहीं लेते हैं तो। मेरे को जो प्रॉब्लम आई है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। पहले मोबाइल का उठा लें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो भी मेरे को दिक्कत आती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना डालता हूँ ताकि आप लोगों को वो दिक्कत ना आए। तो मुद्दा ये है कि अगर आप इंडिया में कोई चीज़ लेते हैं तो जैसे बेड हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, कुछ भी एसी हो गया, कुछ भी लेते हैं तो वो अपने बंदे भेजते हैं इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पर मामला थोड़ा सा उल्टा है, खुद इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप उनके बंदे बुलाओगे, घर छोड़ने के भी पैसे लेते हैं, इंडिया में इतने ज़्यादा पैसे नहीं लेते, 100-200 में भी मान जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको लेकर जाता तो $60 मांग रहे थे, तो मेरे को महंगा लगा। तो अगर आपके पास अपनी कन्वीनियंट वे है इसको लेके जाने का तो वो यूज़ करिए, नहीं तो आपको लेना तो पड़ेगा पड़ेगा। यहाँ तो दो तीन चीज़ें इकट्ठे ले लीजिए एक ही जगह से। ये मैंने लिया हार्वे नॉर्मन से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सारा सामान आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो बात ऐसी है कि जब मैंने ये नई मशीन ली, वॉशिंग मशीन 8 किलो की ली है, और मैंने जब इसको इंस्टॉल करने की कोशिश की तो दिक्कत क्या आई, मैंने कपड़े डाले इसके अंदर, फ्रंट लोड ली है मैंने, और उसके बाद मैंने स्विच ऑन कर दिया, पाइप लगा दी पीछे से ओपन करके, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देन आफ्टर 45 मिनट्स का टाइम आया था कि अब इतना टाइम लगेगा, और उसके बाद जो हुआ बहुत ही भयानक हुआ। मोस्टली क्या करते हैं लोग यहाँ पर, स्टूडेंट या कोई भी, कपड़े डालकर चले जाते हैं और बाद में जब घर पर आते हैं तो उनके कपड़े धुले होते हैं, टाइम नहीं होता है, डाल के और चले गए। तो मैंने भी ऐसे ही सोचा कि चला जाता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि यार फर्स्ट टाइम यूज़ करनी है, क्यों ना हम इसको पहले यूज़ करके देखें। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम अपने फ्रेंड के साथ रह रहा था तब तो नॉर्मल कपड़े डाले, चलो जी हो गया। तो अब दिक्कत क्या आई और कैसे इसको इंस्टॉल करना वो ध्यान से सुनना। जब मैंने 25 मिनट हो गए मशीन जब चलाई तो ये मशीन यहाँ तक पहुँची थी, पीछे रखी थी और घूमकर यहाँ तक आ गई, एकदम से जूं 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 उलट पलट हो गया सारा काम। अगर मैं ना आता तो मुश्किल आ जाने थी, फर्स्ट टाइम के ऊपर बंदा डर जाता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने इंस्टॉलेशन गाइड पे पढ़ा लेकिन मुझे नहीं मिला। मेरे को कम से कम इसको इंस्टॉल करते हुए 1 घंटा लग गया होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम था, नहीं पता था। वो 1 घंटा आपका बचाऊंगा मैं सिर्फ 5 या 10 मिनट की वीडियो में, ठीक है, ध्यान से देखना आपको काम आएगी। कोई भी मशीन लेते हो ना, वैसे उसका इंस्टॉलेशन गाइड जरूर पढ़ना है आपने। मैं इसी मशीन के बारे में आपको बता रहा हूँ, फ्रंट लोड के बारे में, ठीक है। इंस्टॉलेशन गाइड जरूर पढ़ लेना। सबसे पहले आपके पास ये आपको मिलेगा, बीच में ये मिलेगा और ये मिलेगा, बस ये आपको साथ में आएगा। इसको कैसे यूज़ करना है, जब मैंने नया ओपन किया तो मैंने कहा यार इसका यूज़ तो हुआ नहीं है, तो बाद में पता चला कि इसका यूज़ करना कैसे है। फर्स्ट स्टेप क्या है, पीछे चले जाना है मशीन के, और ये जो आप देख रहे हैं ना होल, इसमें ये था, ये इसमें ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे लगे होते हैं, और साथ में ये वाले पेच जो है ना ये लगे होंगे। पहला स्टेप आपका ये है कि आपने बोल्ट्स को ओपन करना है, और ये थोड़ा सा टाइट होता है, इसको जैसे तैसे मर्जी करके निकाल लेना है, इसको निकालना है, ठीक है। तो आप इसका सहारा ऐसे ले सकते हैं, इसको बाहर ऐसे करके, थोड़ा टाइट है ये लगेगा, राइट। और उसके बाद आपने बेसिकली करना क्या है, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये कैप दिया हुआ है उन्होंने, वो आपने इसके अंदर लगा देना। मैंने लगाया हुआ है, ये देखो 4 होंगे, 3 होंगे, ये देखिए ये 1 लगा हुआ है। अब मैं ये भी लगा के दिखाता हूँ आपको, मतलब बहुत ही भयाना एक्सपीरियंस रहा है। मैंने कहा चलो एक वीडियो बना देता हूँ, जो लोग नए आ रहे हैं या नई मशीन ले रहे हैं तो वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। ये भी हो गया, ये आपका पहला स्टेप हो गया। और दूसरा स्टेप है जो मैं वीडियो के शुरुआत में कर रहा था, बैलेंसिंग का। ये नीचे बैलेंस दिया होता है यहाँ पर ऐसे, यहाँ देख रहे होगे वीडियो में,
तो जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं, ये वाला यूज़ करेंगे आप, जैसे कि मैंने इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके के साथ आपने वॉशिंग मशीन इंस्टॉलेशन देखा, आई होप आपको अच्छा लगा हो। कोई और मेरे को प्रॉब्लम आएगी मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। देखते रहना नया रियल एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया में कैसा रहा है। और ये मेरा बैकयार्ड देख लीजिए, कपड़े धुले हैं और ये सामान भी मैंने रखा हुआ है जो नया लिया है। मोस्टली क्या करते हैं कि लोग जो आते हैं वो पैसा बताने लग जाते हैं, ये मेरी थिंकिंग है। अगर आपने रहना यहीं पर है तो एक बार आप नई चीज़ें लेकर रख लीजिए। अगर आप मूव भी करते हैं ना तो वो चीज़ें आप लेके जा सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन रहता है। बाकी फेसबुक मार्केट के ऊपर आपको नई चीज़ें भी मिल सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा डर रहता है। अब मैंने क्या क्या चीज़ें नई ली हैं और क्यों ली हैं, देखो यहाँ पर बेड्स भी आपको पुराने मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रेसेस भी मिल जाएंगे, फ्रिज भी मिल जाएगा, टीवी मिल जाएगा, ए टू जेड चीज़ें आपको पुरानी मिल जाएंगी। अब जहाँ से आप ले रहे हैं, मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं या खुद भी आते हैं, क्या पता उनके घर में पेट्स हों तो इन्फेक्शन हो सकती है आपको भी। अगर आप बेड सस्ते के चक्कर में लोग क्या करते हैं पुरानी चीज़ें खरीद लेते हैं, लेकिन क्या पता उनके घर में पेट्स हो, किस तरह से पेट्स रहते हों, क्या पता वो मैट्रेस के ऊपर सोते हों, क्या पता रेफ्रिजरेशन में क्या हो रहा है, मतलब इसलिए मैंने रेफ्रिजरेशन जो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है नया लो मेरे हिसाब से, मैट्रेसेस नए लो, टीवी वॉशिंग मशीन, ये चार चीज़ें आपकी बन चुकी हैं और ये ख़राब भी नहीं होंगी। जो पुरानी होती हैं मे बी उनमें थोड़ा सा डर रहता है। और गाड़ी आप पुरानी ले सकते हैं, दैट इज़ फाइन, उसमें भी पैड्स होते हैं, लेकिन आप इतना तो मार्जिनलाइज कर सकते हैं क्योंकि जो गाड़ी है वो काफ़ी महंगी आती है अगर आप नहीं लेंगे तो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके खर्चे के ऊपर, आपके बजट के ऊपर। तो मैं जो गाड़ी लूँगा वो पुरानी लूँगा, सेकेंड हैंड लूँगा, कम चली हो। अगर आपको अच्छी गाड़ी लेनी है तो फेसबुक के ऊपर चेक कर सकते हैं या डीलर के पास जा सकते हैं, डीलर से थोड़ी बहुत आपको महंगी मिलेगी लेकिन आपको गारंटी साथ में मिलेगी और उसका बेनिफिट आपको ITR में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत चीज़ें बता चुकी है कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रॉब्लम फेस आने वाली हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि मुझे क्या करना है। कोई कमेंट हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती हो, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करना, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। बेस्ट ऑफ लक।